हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस। एटीएम, आईटीएम, ओटीएम एग्जैक्टली होता क्या है, ये आज हम जानेंगे। फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन में जो बेसिक चीज़ें होती है वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सभी चीज़ें हम जो है वो इस वीडियो में नहीं कवर कर सकते। जो बिगनर्स है उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ऑप्शन चेन को समझना, तो आज मैं सिंप्लीफाई जितना हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगी आपके लिए। और दो या तीन कंसेप्ट से आज हम जानेंगे ऑप्शन चेन के बारे में। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कौन से वो कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने गूगल में ऑप्शन चेन ओपन की है। जिनको नहीं पता है ऑप्शन चेन क्या होती है, आप सिंपली गूगल में जाके nsindia.com/option-chain कह के सर्च करोगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा नंबर्स है। अगर कोई बिगनर इसे समझने की कोशिश करेगा तो वो समझ नहीं पाएगा, जिसका बैकग्राउंड इतना ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं है या फिर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो उसे बहुत ज़्यादा बोर होगा। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करके जो भी बिगनर्स है उनके लिए समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आप समझने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ड्रॉ किया है। यहाँ पे देखो क्या है, मैंने 44,100 से 45,000 तक एक ऑर्डर में स्ट्राइक प्राइसेस रखी है 100 के इंटरवल में। यहाँ पे क्या है, 44,100, 200, 300 ऐसे मैंने स्ट्राइक प्राइसेस लगाई है। अब इन स्ट्राइक प्राइस को मैंने डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। एक दिया है मैंने कॉल के लिए, एक दिया है मैंने पुट के लिए। मार्केट कहाँ जाने वाला है, या तो नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। क्या अब आपको ऑप्शन चेन समझने से पहले तीन चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एटीएम, ओटीएम एंड आईटीएम। एटीएम यानी कि एट द मनी, ओटीएम यानी कि आउट ऑफ द मनी एंड आईटीएम यानी कि इन द मनी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एट, आउट एंड इन। अब मैं पहले आपको सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ तो मैं डायरेक्टली बता देती हूँ कि कॉल साइड के लिए ये पोर्शन होता है इन द मनी, ये होता है आउट ऑफ द मनी। पुट वालों के लिए अपोजिट होता है, ये होता है आउट ऑफ द मनी, ये होता है इन द मनी। शायद से आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ ध्यान देते रहो। कॉल के लिए मैंने क्या बताया, ये पोर्शन हो गया इन द मनी, ये हो गया आउट ऑफ द मनी। पुट साइड के लिए ये हो गया आउट ऑफ द मनी, ये हो गया इन द मनी। कलर डिफरेंट है, इन द मनी का कलर डिफरेंट है, आउट ऑफ द मनी का, बोथ का कलर जो है वो डिफरेंट है। अब मैं आपको चलती हूँ चार्ट पे लेके और वहां पे बताती हूँ एग्जैक्टली ऑप्शन चेन वर्क कैसे करती है। तो ये हमने ऑप्शन चेन ओपन कर ली है। मैंने क्या बताया था, जहां पे मार्केट ट्रेड करता है वो एट द मनी होता है, राइट। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि सपोज मार्केट अभी 44,630 या फिर 44,580 पे है अभी करंटली। करंटली अगर मार्केट 44,630 या 580 पे है तो 44,600 ये हो गई इसकी एट द मनी, या 44,500 ये उसकी एट द मनी हो गई, राइट। अब जैसे मैंने बताया था, मैंने स्ट्राइक प्राइसेस को दो हिस्सों में बांट लिया, कॉल एंड पुट। कॉल में ऊपर वाला हो गया आईटीएम, नीचे वाला हो गया ओटीएम। पुट में अपर वाला हो गया ओटीएम, नीचे वाला हो गया आईटीएम। स्ट्राइक प्राइस क्या है, सेम यहाँ से बढ़ती जा रही है, 43,000, 44,000 या 44,000, यहाँ पे 45,000 यहाँ से, यानी कि जैसे नीचे जा रहे हैं वो बढ़ती जा रही है। तो अभी एट द मनी कहाँ है, 44,500 पे। तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखो, जैसे ही मार्केट इन द मनी जा रहा है एलटीपी बढ़ता जा रहा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस ध्यान में रखो। एलटीपी यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये होती है आपकी स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम वैल्यू, यानी कि स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू जिसपे आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। जैसे ही इन द मनी में जा रहे हैं कॉल साइड में, इन द मनी की प्रीमियम वैल्यू बढ़ती जा रही है, और जैसे ही हम आउट ऑफ द मनी आते जाएंगे, यहाँ पे नीचे नीचे आते जाएंगे, वैसे प्रीमियम कम हो रहा है कॉल साइड में। ये ध्यान में दो आप, बढ़ रहा है यहाँ से
कम होता जा रहा है, यहाँ पे एट द मनी है। आई होप आपको कॉल साइड का समझ में आ गया। अब पुट साइड में थोड़ा ध्यान से देखो क्या हो रहा है। जैसे जैसे इन द मनी आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन द मनी में नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऑपोजिट है, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस घट रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, यानी कि बढ़ती है पुट साइड में, तब इन द मनी ज्यादातर प्रीमियम यहाँ पे बढ़ रहा है। और जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस कम होती जा रही है, आउट ऑफ द मनी भी कम हो रही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो 43,000 देखो, 43,000 में क्या है, इन द मनी की वैल्यू क्या है, 1,519 रुपीज, एंड 43,000 की सेम पुट में वैल्यू क्या है, 13 रुपीज। तो आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको कौन सा पुट लेना है, कौन सा कॉल लेना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी है, राइट। आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो समझो आपने बहुत आउट ऑफ द मनी लिया या बहुत इन द मनी लिया। बहुत इन द मनी लिया तो क्या होगा, आपको जो कैपिटल लगेगा वो ज्यादा लगेगा, राइट। और जब भी आप बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी जाओगे तो आपको उतना ज्यादा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। उसके पीछे का मैं रीजन बताती हूँ। देखो एक मिनट, यहाँ पे हम आते हैं। देखो हमें क्या चाहिए, प्रीमियम, रिस्क एंड रिवॉर्ड, ये तीन चीजें हमारे लिए एज अ ऑप्शन बायर मैटर करती है। प्रीमियम अगर हाई होगा, जितना हाई प्रीमियम होगा उतना ज्यादा हमारे लिए रिस्की होगा, उतना ज्यादा हमें रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन अगर प्रीमियम हाई होगा तो रिस्क हाई होगा, रिवॉर्ड हाई होगा, हम रिवॉर्ड के चक्कर में, ऐसा नहीं है कि 1,000 का प्रीमियम बाय करके बैठे, नो। हमें प्रीमियम उतना ही बाय करना है जितना हमारे रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करके चल सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी पे कब ट्रेड करना है। तो अभी जो है वो वेंसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आ गई है, पहले क्या थी, थर्सडे को थी। तो मेरे हिसाब से जैसे मैं करती हूँ, मंडे को आप लोगों को, यहाँ पे मंडे को आपको क्या करना है, तो सिंपली इन द मनी पे ट्रेड करना है। ट्यूसडे को भी इन द मनी पे ट्रेड करना है, वेंसडे को भी इन द मनी ट्रेड करना है। अब बात आती है थर्सडे और फ्राइडे की। मैं जनरली रिकमेंड करूंगी कि फ्राइडे को आप थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी या फिर थोड़ा सा एट द मनी पे की ओर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन थर्सडे को, जैसे कि पहले थर्सडे को एक्सपायरी हुआ करती थी, तो हम जनरली एटीएम या आईटीएम में ट्रेड करते थे, अब हम सिर्फ और सिर्फ इन द मनी पे ट्रेड करते हैं। यहाँ पे आप एटीएम में भी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं, लेकिन उतना ज्यादा आपको प्रीमियम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, जनरली 200 से लेके 300 तक का प्रीमियम चूज करना है। ये मैं करती हूँ, ये मैं फॉलो करती हूँ हर दिन। जनरली मैं फ्राइडे को ट्रेड्स अवॉइड करती हूँ, और आपको भी यही करना चाहिए, क्योंकि उस दिन प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई होते हैं और इतना ज्यादा मूवमेंट मुझे तो नहीं लगता है कि फ्राइडे के दिन हम कैप्चर कर पाते हैं। तो इस वजह से मैं फ्राइडे को जनरली अवॉइड करती हूँ, बाकी इन दिनों में आप ट्रेड कर सकते हो। अब देखते हैं ऑप्शन चेन। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, जैसा कि मैंने बताया कॉल साइड में कैसा एलटीपी बढ़ता है, पुट साइड में कैसा एलटीपी बढ़ता है, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी। देखो आप लोगों को ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में बताऊंगी तो आपको कुछ भी समझ में आएगा कि ब्रेक इवन क्या होता है, डेल्टा, थीटा, ये कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है मैंने। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं अगले एपिसोड्स लेके आऊंगी, जिसमें मैं बहुत ज्यादा ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, थोड़े कैलकुलेशंस वगैरह समझाऊंगी। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि इतना काफी है। एज अ बिगनर आपको एलटीपी और स्ट्राइक प्राइस समझ में आ गई तो भी बहुत ज्यादा है। देखो आप जब 24 का
जब प्रीमियम बाय करोगे ना, अगर 44,500 पे चल रहा है, तो आप ये प्रीमियम देखो कितना बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा ये 40 होगा, 50 होगा, या अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो मैं आपको बता रही हूँ, इतना ज्यादा हम पेशेंटली वेट नहीं कर सकते कि ये 100 तक जाएगा तो हम एग्जिट करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत रेयर होते हैं जो हीरो जीरो करते हैं, उनके लिए ठीक है, लेकिन अगर हम 44,500 या 44,400 पे ट्रेड करेंगे, तो ये प्रीमियम 15 to 20 मिनट्स में, अगर हमारा ट्रेड सही रहा तो 400 तक भी जा सकता है। यहाँ पे हम 70 to 30, 30 to 70, 80 पॉइंट्स कैप्चर कर लेते हैं। तो इसी वजह से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन मैंने बताया कि 200 से आप 300 तक सिलेक्ट करो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको इसी तरह लर्निंग वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बिलो कि आपको ये सीरीज हमारी कैसी लग रही है लर्निंग वाली, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी ज्यादा जो है वो वीडियोस लाती रहूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मैंने मेरी जर्नी के थ्रू जो भी नोट्स बनाए थे उसकी PDF चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी मैं। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है, ये बिल्कुल फ्री है। और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। बाय बाय।